सुद्धि फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है, ऐसी क्या बात है जो करण के साथ काम करने से भाग रहे हैं ऋतिक, और इस फिल्म में किस हीरोइन को साइन किया गया था। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। करण जौहर ऋतिक को ही अपनी इस फिल्म का एक्टर बनाना चाहते थे। उनके मना करने के बाद से वे उनसे इस बात को लेकर काफी नाराज भी रहे। कहा जाता है कि बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर का रिश्ता एक्टर ऋतिक रोशन से हमेशा से कुछ अलग रहा। फिल्म कभी खुशी कभी गम, अग्निपथ जैसी शानदार फिल्मों के बाद कई बार करण ने ऋतिक संग काम करने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार उनको टालते चले गए। काफी वक्त पहले ये खबर आ रही थी कि करण अपनी फिल्म शुद्धि के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ऋतिक रोशन कई बड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। अंत में हुआ ये कि करण को इस फिल्म के लिए एक नए एक्टर की तलाश करनी पड़ी। इसके बाद फिल्म के लिए सलमान खान, वरुण धवन जैसे कई बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। करण ऋतिक को ही इस फिल्म का एक्टर बनाना चाहते थे। उनके मना करने के बाद से वे उनसे इस बात को लेकर काफी नाराज भी रहे। कहा जाता है कि ये उन दिनों की बात है जब ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच तू तू मैं चल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर करण जौहर ऋतिक के पास इस फिल्म का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन ऋतिक ने यह बात कहकर फिल्म को टाल दिया कि पहले इस फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाई जाए, फिर वे इस फिल्म पर विचार करेंगे। अब इन सब चीजों को देखकर लग रहा है कि कहीं ऋतिक करण के साथ काम करने में हिचकिचा तो नहीं रहे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कंगना रनौत अब एक बार करण जौहर की दोस्त बन गई है। ऋतिक भी ये बात बाखूबी जानते हैं। शायद यही वजह है कि वे अब किसी भी तरह से कंगना संग रिश्ता नहीं रखना चाहते। वैसे तो ये कही सुनी बातें हैं। बताया जा रहा है इस फरमाइश के बाद से करण ऐसे स्क्रिप्ट की तलाश में जिसे पढ़कर ऋतिक तुरंत हाँ कह दें। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि करण ने यह कदम ब्रदर्स के बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षानुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण भी उठाया है। ब्रदर्स का निर्देशन करण मल्होत्रा ने किया है, जिन्होंने करण जौहर के लिए ब्रदर्स भी बनाई है। चूंकि ब्रदर्स बॉक्स ऑफिस पर नरम रही, इसलिए करण जौहर अब करण मल्होत्रा पर महंगा दांव लगाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उन्होंने शुद्धि को बंद करने का फैसला किया है। करण जौहर की शुद्धि के लिए भी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ आने वाले थे। माना जा रहा था कि ये फिल्म मेलुहा के मृत्युंजय पर बनेगी, लेकिन फिल्म कभी फ्लोर पर जा नहीं पाई। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप शुद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।